इंडिया फिलहाल हर जगह नंबर वन है। इंडिया फिलहाल टेस्ट, ओडीआई, T20, WTC सारी रैंकिंग पर सबसे ऊपर बैठी है। और जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे याद आया शुभमन गिल की वो स्टेटमेंट, जहां पर शुभमन ने कहा था कि हम पहला टेस्ट मैच जब हारे थे तो हम टूट गए थे, क्योंकि वो टेस्ट मैच ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड को इनिंग डिफीट मिलने वाली है। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड एक बड़े मार्जिन से हारेगी, लेकिन फिर ओली पॉप का वो एक ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी वाला एक इनिंग आती है, और उसके बाद वो जो उनकी पार्टनरशिप रहती है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उल्टा वो मैच हार जाते हैं। तो सोचिए, जब आप मैच जीतने वाले हो और फिर वहां से हार जाओ तो जाहिर से बात आप टूट जाते हो। और शुभमन ने यही कहा था कि हम टूट गए थे, लेकिन हमें बनाया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने हम सबको दोबारा से इकट्ठा किया और अगले टेस्ट मैच के लिए हमने फिर वहां से मेहनत शुरू करी। तो जब एक कप्तान या जब एक खिलाड़ी ये बात कह रहा है कि रोहित शर्मा ने बनाया, रोहित शर्मा ने हमें दोबारा से एकदम ज्वाइन करा, एक टीम की तरह बनाया और हमने वहां से मेहनत करी, तो फिर मुझे रोहित शर्मा की कुछ वो स्टेटमेंट्स याद आ जाती हैं, जहां पर वो सरफराज को डांटते हुए दिखते हैं हेलमेट के लिए, जहां पर वो अपने टीम मेंबर्स को डांटते हुए दिखते हैं अटेंटिव रहने के लिए। जैसे कोई स्टेटमेंट थी ना, कोई भी गार्डन में घूमता हुआ दिखा तो जी हाँ, तो वैसे कोई स्टेटमेंट बोलते हुए दिखते हैं, फिर वो सरफराज को कहते हैं कि ओए हीरो मत बन, हेलमेट पहन के। तो ऐसी बहुत सारी हमने छोटी छोटी चीजें देखी है, जिससे ये समझ में आता है कि रोहित शर्मा और टीम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। हमने देखा सरफराज को, ध्रुव जरेल को, वो रोहित शर्मा को हक करते हुए, वो पिक्चर्स बहुत वायरल हो रही थी जब इंडिया रांची टेस्ट जीता था। हमने देखा किस तरह से ध्रुव जरेल के बारे में रोहित शर्मा बात कर रहे थे, और हमने ये भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा हमेशा बहुत रॉ रहते हैं। किसी की तारीफ करनी हो बिल्कुल रॉनेस से, और किसी के बारे में कुछ कहना हो तो बिल्कुल रॉनेस से। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ उनको टीम में रखते हैं जो खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए सब कुछ देने को तैयार होते हैं, जिनके अंदर वो भूख होती है हम उसी को रखते हैं, क्योंकि जिसमें भूख नहीं उसको रखने का क्या फायदा। तो जब आप खिलाड़ी चुन रहे हो, हालांकि वो स्टेटमेंट अब जिस पर भी हो, देखिए बहुत सारा तरह की बात होती है, लेकिन आपको आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे आपको एक टीम चाहिए जो टीम आपको जिता सके, जो टीम अपने देश के लिए वो लोग खेलें और किसी भी सिचुएशन में कहीं भी जाकर खेलें और कोई भी फॉर्मेट खेलें। ऐसा नहीं कि जी मैं टेस्ट नहीं खेलता हूं तो मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा, जी मैं ओडीआई नहीं खेलता हूं तो मैं ओडीआई नहीं। आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, आपको पता है कि 11 खिलाड़ी सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हैं, और उसी तरह से रोहित शर्मा की जो रॉनेस है वो उनके मैदान में भी दिखती है, स्टंप माइक पर भी दिखती है, वो रॉनेस उनकी जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है पोस्ट मैच उसमें भी दिखती है, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी दिखती है। और शायद उसी का ये असर है कि इंडिया फिलहाल WTC में लीड कर रहा है, इंडिया फिलहाल ODI टीम में लीड कर रहा है, इंडिया फिलहाल T20 में लीड कर रहा है। लेकिन अब वही है कि इसका दूसरा एंगल ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नंबर वन होना ठीक है, मतलब अच्छी बात है, हम बहुत टाइम से हम लगातार हम नीचे जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखता है कोई, दिखता है तो ट्रॉफी। आखिर क्यों MS धोनी के बारे में इतनी बात होती है, क्योंकि बस ट्रॉफी है। विराट ने कप्तानी करी, अच्छी कप्तानी करी, लीड करके गए, एक अच्छी टेस्ट टीम बनाकर गए, टेस्ट में आप देखोगे बहुत सारी विन उनके पास है, टेस्ट के एक बहुत बड़े कप्तान है। गांगुली भी बात कहते हैं कि मैं चाहता था कि विराट कोहली टेस्ट की कैप्टनसी करते रहे, लेकिन बात ज्यादा नहीं होती क्योंकि ट्रॉफी नहीं है, अगर एक भी ट्रॉफी होती तो बात होती। रोहित शर्मा, अच्छी बात है आप अच्छी टीम बना रहे हो, आपने नंबर वन टीम बनाई है, लेकिन ये टीम नंबर वन तब ज्यादा अच्छी लगेगी जब सबके सर पर एक ताज होगा, और वो तभी होगा जब आप एक ICC ट्रॉफी जीतोगे। तो खैर, आने वाले टाइम में एक ICC ट्रॉफी और आने वाली है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, टीम भले टॉप पर है लेकिन क्या ये टॉप टीम टॉप परफॉर्मेंस दे करके एक ट्रॉफी लिफ्ट करवा पाएगी, या फिर एक बार फिर से वही रिपीट होगा जो पिछले 10-12 साल से हो रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।